हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हम समांतर माध्य ज्ञात करना, कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना पढ़ा था। अगर आंकड़े बड़े हो जाते हैं तो हम कल्पित माध्य लेते हैं, अगर और भी बड़े हैं और कैलकुलेशन छोटी करना चाहते हैं तो हम पद विचलन विधि को काम में लेते हैं। उसी पद विचलन विधि को के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसका सूत्र इस प्रकार से देखो। इसमें भी कल्पित माध्य हमें मानना ही पड़ेगा, लेकिन कल्पित माध्य एक मान लिया, इसमें x बार बार a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन बटा सिग्मा एफ आई इंटू x, जहां x जो है आपका इस वर्ग का अंतराल है, जैसे 100 और 150 है, इसके बीच में 50 का अंतर है, ये यहाँ पे 50 का अंतर आएगा। और यू आई हमें इस प्रकार से ज्ञात करना है कि एक्स आई यानी कि जो मध्यमान आएगा उसका, उसमें से एक घटाना, कल्पित माध्य में यही भी करते थे, बस इसमें अंतराल का हमें भाग देना है। चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। तो अपना ये देखिए, 100 ये वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हमें इसका मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। मध्यमान का मतलब 100 प्लस 150, ठीक है, बटा 2 बराबर, अपने पास 250 बटा 2 बराबर 125, ये आपका 125 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब अपने पास इसी प्रकार मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि अंतराल जितना है वो इसमें जोड़ते जाओ, आगे लिखते जाओ। मैं यहाँ लिख देता हूं, जिसे ये 50 जोड़ दिया तो 175 आ गया, फिर 50 जोड़ेंगे 225 आएगा, फिर 50 जोड़ेंगे 275 आएगा, फिर 50 जोड़ेंगे 325 आएगा, फिर 50 जोड़ेंगे 375, और इस प्रकार से आपका 425 और 475, ये आपके मध्यमान हो गए। आप चाहें जैसे ये है आपका 400 और 450, 850 होता है, 850 का आधा कितना होता है, मध्यमान 425 होता है। तो इस प्रकार से आप सभी को भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इस यू आई हमने कल्पित माध्य के अंदर आपको डी आई ज्ञात किया था, उसमें एक्स आई माइनस ए था, बस इसमें फर्क क्या है, एक्स आई माइनस ए तो है ही है, लेकिन यहाँ एक्स बराबर अपने पास 50 है, इसका अंतर आपका 50 है, इसलिए 50 लिख दिया। अब यहाँ पर 125 माइनस, अब इससे पहले देखो, हम किसी एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं यहां पर 325 को मैंने कल्पित माध्य मान लिया और मैंने इसको बॉक्स में लिख दी भी दिया, तो ये आपका कल्पित माध्य है। मान लिया 300 माइनस 325 बटा 50, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे, अपने पास क्या आएगा, माइनस 200 बटा 50 बराबर माइनस के 4, ठीक है दोस्तों, माइनस 4 आ गया। इसी प्रकार आपका 175 माइनस 325 बटा 50 बराबर आपके पास माइनस 150 बटा 50 बराबर माइनस के 3, ठीक है। अलग से मैं करके दिखा देता हूं, ले आपको इधर आप लिखेंगे तो ये 325 है, ये 325 माइनस 175 घटाएंगे 0, 12 में से उधार लेंगे 12, 12 में 7 ये तो 5, और ये 2 बच गए 1, 150 हो गए। 150 में अपने को 50 का भाग देना है तो ये अपने पास 3 आ जाता है, लेकिन संख्या यहाँ माइनस में है इसलिए अपने पास क्या आएगा, ये माइनस की बच रही अपने पास, ये माइनस 3 का आ जाएंगे। इसी प्रकार आपका 225 माइनस 325 बटा 50 बराबर आपके पास माइनस 100 बटा 50 बराबर माइनस के 2, और सीधी सी गणित है, यहाँ माइनस 200 बच रहे हैं तो 50 कम करते जाइए, 150 जाएंगे फिर 50 कम कर दिए 100 आ जाएंगे, और यहाँ पे भी आपका ये 275 माइनस 325 बटा 50 बराबर माइनस के, यहाँ 100 है यहाँ 50 कर लिए, 50 बटा 50 बराबर माइनस 1, और 325 माइनस 325 बटा 50 बराबर अपने पास क्या हो गया, 0, और इसके बाद अपने पास 375 माइनस 325 बटा 50 है बराबर अपने पास हो गया ये। अब देखिए प्लस में जा रहा है, प्लस में आएगा अब, क्योंकि ये संख्या बढ़ गई है तो ये प्लस में हो जाएगी, अपने पास आएगा 50 बटा 50 बराबर 1, ठीक है।
अब अपने पास 425 माइनस 325 बटा 50 है, बराबर अपने पास क्या हो गया, देखिए यह 50 है, 50 बढ़ रहा है, यह अपने पास निकाल के देख लिया आप, 100 ही आएगा, 100 बटा 50 यानी कि 2 आ गया। अब उसके बाद 475 माइनस 325 बटा 50, आप जैसे मैं निकाल के बता रहा हूं, 150 बटा 50 बराबर 3, आप इसमें 475 है ये, इसमें से 325 बाकी निकाल सकते हैं, तो 0 ये 5 1 150 ही बचा। ये इस प्रकार से आपका UI आ गया। इससे क्या कैलकुलेशन अपनी क्या छोटी हो जाती है, इसलिए हम पद विचलन विधि को काम में लेते हैं। अब अपने पास FIUI, F का मतलब अपने पास ये 24 है, ये 24 गुणा माइनस के 4 बराबर माइनस 96, ठीक है। अब 40 इंटू माइनस के 3, ये अपने पास माइनस के 120 हो गए। इसी प्रकार 33 गुणा माइनस 2 बराबर माइनस के 66 हो गए, ठीक है। ये 28 गुणा माइनस 1 बराबर माइनस के 28 हो गए, और 30 गुणा 0 बराबर 0 हो गया। 22 गुणा ये 2 है, 1 है ये, 22 तो ये है, इसके सामने 1 है, तो ये 22 हो गया। ये 16 गुणा 2 बराबर 32 हो गया। ये 7 गुणा 3 बराबर 21 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना साथियों, हमें इसका योग ज्ञात करना, सिग्मा एफ आई, ऐसा ही सूत्र में मैंने लिखा है, सिग्मा एफ आई ज्ञात करना है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो अपने पास के 7 6 13 15 15 23 23 26 26 4 30 असली का 3 हो गया, 3 1 4 2 6 3 9 2 11 11 14 14 18 18 2 20, इस प्रकार से अपने पास ये 200 आ गया। इसी प्रकार हम अगर इसका भी जोड़ करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई इनका जोड़ करते हैं, तो इसमें हमें पहले प्लस की संख्या जोड़नी है, फिर अपने को माइनस की संख्या जोड़नी है। प्लस की संख्या जोड़ते हैं अपन, दो अपने पास ये देखिए, 2 1 2 4 1 5, 2 3 5 2 7 75 आ गया माइनस। अब माइनस की संख्या जोड़ेंगे, माइनस की 1 2 3 4 संख्या है, तो 8 6 14 14 6 20, हंसी के 2 2 2 4 10, 10 2 12 12 और 9 21, हंसी के 2 2 1 3, हंसी के 2 हो गया ना, 2 1 10। अब हम इसमें से घटा लेते हैं, 310 में से घटाएंगे, तो अपने पास 75 घटाना है, तो ये 5 रह गया, 10 3 रह गया, 235 हो गया। इस प्रकार से माइनस के 235 आ गए अपने पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अपना एक्स बार हमें ज्ञात करना है, एक्स बार ए, ए का मतलब अपने को यहां पर 325 लिया हमने, यहां 325 लिख देंगे, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब अपने माइनस 235, माइनस के 235 बटा सिग्मा एफ आई, ये अपने पास 200 आया है, तो 200 यहां लिख देंगे, ये 200 गुणा एच यानी वर्ग अंतराल आपका 50 है, ठीक है। अपने पास 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 5 चौक 20, इस प्रकार से एक्स बार बराबर 325, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस दोनों गुणा के माइनस हो गया, अपने पास 235 बटा 4 हो गया। और इसमें हम भाग देते हैं 325 माइनस, ये देखिए 235 में हम 4 का भाग दे देते हैं, तो 5 चौक 20, 3 8 32, 3 0 ये 7 चौक 28, फिर 2 बज गए 0 और 5, यानी 58.75 ये भाग देने पर आएगा। अब इसको हम 325 में से घटाते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, देखो ये 5 ये 2 दशमलव
या एक उधार देगा आपने तो 14, 14 में से 8 गए तो 6, फिर एक उधार देगा 11, 11 में से 5 गए तो 6, 2, एक्स बार बराबर अपने पास क्या गया आपका 266.25। हाँ तो साथियों हम एक के सवाल और पद विश्लेषण पे देख लेते हैं जो भी इसी प्रश्नावली से रिलेटेड है और इसमें भी अपना क्या वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग दे गया है तो इसका हमें मध्यमान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे 40 प्लस 50 बटा 2 बराबर मध्यमान का मतलब जोड़ के दो निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। ये 90 हो गए, 90 बटा 2 यानी 45 हो गए, अपने पास कितना हो गए ये 45। यहां मैंने 45 लिख दिए। अब यहां पे हमें चाहिए h, अंतराल यहां पे कितना है 10 का है तो हम यहां h बराबर क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। अब चूंकि 10 का अंतराल है इसलिए आप क्या करें इसमें 10 जोड़ लो 45 में 55, फिर 10 जोड़ो 65, फिर 10 जोड़ो 75, फिर 10 जोड़ो 85, फिर 10 जोड़ दो 95। आप ये भी करके देख सकते 95 अपना सही है कि नहीं है तो 100 और 90 जोड़ लिए 190 आया, 190 का आधा हम करते हैं तो अपने पास 95 आ जाता है। अब हमें वही करना है जो पिछले सवाल में किया। अब देखिए क्या करना है, यू आई ज्ञात करना है, एक्स आई माइनस ए। इसके लिए हम पहले अपना जो ये कल्पित माध्य मान लेते हैं, कल्पित माध्य जो हम मानते हैं हम किसी को भी जिसे इसमें से आप चाहे किसी को भी मान सकते हैं लेकिन लगभग बीच की संख्या को मानते हैं जिससे कि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी और कम हो जाती है। अब इसके बाद देखिए साथियों मैंने यहां ले लिया 45 माइनस 75, यहां कल्पित माध्य हमने क्या माना ए बराबर, मैं यहां लिख देता हूं ए बराबर आपका 75, ठीक है ए बराबर 75 मान लिया हमने, ये ए है अपना, ए लिख दिया मैंने यहां पे भी, आप लिख सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, माइनस बटा 10। अब इसमें से ये अपने पास घटाएंगे तो अपने पास 30 बटा 10 यानी कि माइनस के 30 है, ये माइनस का 3 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अपने पास जो है 55 माइनस 75 बटा 10 बराबर माइनस के 20 बटा 10 बराबर माइनस के 2, 65 बटा 75 बटा 10 बराबर माइनस के 10 बटा 10 बराबर माइनस के 1, और 75 माइनस 75 बटा 10 यानी कि 0 बटा 10 बराबर 0, 85 माइनस 75 बटा 10 बराबर 10 बटा 10 बराबर 1, और 95 माइनस 75 बटा 10 बराबर 20 बटा 10 बराबर 2। ये हो गया आपके पास। अब हमें क्या करना है एफ आई यू आई का, यू आई तो हमने ज्ञात किया था माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 1 और 2 0, ये भी है तो अपने पास अब एफ आई यू आई यानी कि एफ ये 10 है ये 3 है, 10 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 30, 25 इंटू माइनस के 2 बराबर माइनस के 50, 28 इंटू माइनस 1 बराबर माइनस के 28 बराबर माइनस के 28 हो गए, और ये आपके पास 12 इंटू 0 बराबर 0, 10 इंटू 1 बराबर 10, और 15 है ये 15 गुणा 2 बराबर 15 गुणा 30। इस प्रकार से अपने पास देखिए एफ आई यू आई भी आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, जल्दी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब इस साथियों और इसके अलावा दूसरी भी जो वीडियो है उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो वो वीडियो भी इससे संबंधित सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम जोड़ करते हैं सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ते हैं तो अपने पास देखिए 5 2 7 7 8 14 15 15 5 20, ठीक है 2 2 1 3 4 5 7 9 1 10, ये आपके पास 100 हो गया।
अब हम ज्ञात जोड़ते हैं इनको, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर अपने पास देखिए, ये तो अपने पास 40 है प्लस की संख्या, माइनस की जोड़ेंगे हम तो माइनस के अपने पास देखिए ये आपके पास 8, ये 8 ठीक है, और 7 3 10 अपने पास माइनस के 68 आ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब सवाल पे, सवाल पे चलते हैं, देखिए अब सूत्र में लगाते हैं तो अपने पास एक्स बार बराबर ए, ए का मतलब अपने क्या माना यहाँ पे 75 माना है तो अपने यहाँ पे 75 लिखेंगे प्लस एफ आई यू आई, या अपने पास माइनस के 68 है या माइनस 68 लिख दिया बटा 100 है ठीक है, इंटू 10 वर्ग अंतराल कितना है 10 है इसलिए 10 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कट गया। अब अपने पास x बार बराबर 75, ये प्लस और ये माइनस गुणा में माइनस हो गया। अब अपने पास 68 में 10 का भाग कितना, अपने पास 6.8 आ गया। अब हम बाकी निकालते हैं इसमें से तो अपने पास देखिए, मैं निकाल के भी बता देता हूं आपको, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो आपको, इसलिए देखिए यहां से उधार लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2 दशमलव, यहां उधार दे दिया 4 4, यहां से उधार लेंगे 14, 14 में से 6 गए तो ये 8, और यहां एक उधार दे दिया 6, यानी कि इस प्रकार एक्स बार यानी समांतर माध्य जो पद विचलन विधि से हमने ज्ञात किया वो आपका 68.20 हो गया। हाँ तो साथियों, अगर आपके पास पहले हमने जो सवाल पढ़े थे उसमें वर्ग अंतराल लगातार था, सतत था, अब इसमें वर्ग अंतराल तो है, सब में अंतर 10-10 का है लेकिन असतत है, ये जैसे 5 से 14 है, अब इसमें यह 15 आ गया, इसका मतलब खंडित वर्ग अंतराल है। इस प्रकार से अगर सवाल आ जाता है तो आपको पद विचलन से नहीं करके इसे आप कल्पित माध्य से करें तो और भी अच्छा है, पद विचलन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मध्यमान ज्ञात करते हैं जैसे देखिए 5 प्लस 14 बटा 2 19 बटा 2 यानी कि अपने पास 9.5, जिसे मध्यमान अपने पास क्या गया 9.5। आप चाहे पद विचलन से भी कर सकते हैं लेकिन दशमलव में आ जाती है तो उसमें कैलकुलस थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसलिए आप इसे कल्पित माध्य से करें तो और भी अच्छा है, और पद विचलन से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए एक का मैंने ज्ञात किया, बाकी के मैंने 10-10 जोड़ता गया और अपना आंसर आता गया। अब इसमें से हमें एक किसी को भी कल्पित माध्य मानना है, जैसे मैंने इसको मान लिया 39.25 ठीक है ना, इसको मैंने कल्पित माध्य माना, यहां वर्ग अंतराल अपने को लेना ही नहीं है क्योंकि अपने कल्पित माध्य के द्वारा कर रहे हैं। अब यहां पर 9.5 माइनस 39.5 बराबर आपके पास माइनस बचेगा ये 30 ठीक है ना, 30 बच गया। अब इसमें आप चाहे तो उससे भी कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं, सीधा 10 का भाग दे दो माइनस नहीं आ जाएगा, और कल्पित इसमें मैं साथ में कल्पित माध्य इसलिए बता रहा हूं ताकि दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन करके आपको जो अच्छी लगे उससे आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने दो सवाल पद विचलन के बताए और तीसरा सवाल में कल्पित माध्य से बता रहा हूं। माइनस 39.5 बराबर माइनस के 20, ये 29.5 माइनस 39.5 बराबर माइनस के 10, 39.5 माइनस 39.5 बराबर 0, 49.5 माइनस 39.5 बराबर 10, और 59.5 माइनस 39.5 बराबर आपके पास ये 20 हो गए। इस प्रकार से आपके पास जो मान आया
हमने लिख दिया डी आई ज्ञात किया, क्योंकि हम कल्पित माध्य के द्वारा इसको हल कर रहे हैं। तो इसको ये आपके पास एफ आई डी आई 6 × −30 बराबर आपका ये है −180। ये 11 × −20 बराबर −220। ये 21 × −10 बराबर −210। ये 23 × 0 बराबर 0। ये 14 × 10 बराबर 140। ये 5 × 20 बराबर अपने पास ये 100 हो गए। इस प्रकार से यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई, क्योंकि कल्पित माध्य है, इसको मैं आपको चाहे आपको लगता है कि इसके पद विचलन से करके बताऊं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। मैं इस सवाल को पद विचलन विधि से भी करके नया वीडियो बना के डाल दूंगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम इसका जोड़ करते हैं, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 और 6, 20। आजकल के 2, 2, 1, 3, 5, 7, 1, 8 ये आपके पास 80 हो गया। इसी प्रकार इसका जोड़ करते हैं तो ये अपने पास जो प्लस की संख्या है ये 240 हो गई, और माइनस की संख्या को हम जोड़ते हैं तो ये 0 और 3, 8, 3, 11 आंसर का 1, 3, 2, 1 आंसर 3 हो गया, 3, 2, 5, 6, 610। तो अपना जो है देखिए माइनस 610 से माइनस की है, 240 प्लस के है, हम घटा देते हैं 0, यहाँ उदाहरण के 11, 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ 5 उदाहरण दीजिए 5, 5 में से 2 गया तो 370 अपने पास बच जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो आपका जो सूत्र है वो ये आपका कल्पित माध्य का सिग्मा अपॉन एफ आई ये इस प्रकार से, और यहाँ आपका एच जो नहीं आएगा, एक्स बार हम लेते हैं आपका एक्स कल्पित माध्य जो हमने लिया 39.5 प्लस माइनस की संख्या बचेगी आपकी इधर −370 है, ये माइनस के 370/80 ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए 0 से 0 तो काट देते हैं और ये प्लस और माइनस गुणा रहेगा, एक्स बार बराबर अपने पास 39.5 माइनस ये 37/8। अब 37/8 में हम 8 का भाग देते हैं 37 में, तो देखिए भाग देखिए देख लेते हैं, वैसे भी आप चाहें तो सीधा ही दे सकते हैं, ये 832.5 फिर दशमलव लग जाएगा 50 8 × 48 ठीक है, फिर 2, 20, 8 × 16, 4, 8 × 40 इस प्रकार से 39.5 माइनस 4.625 ये आपके पास आगे। अब हम इसमें से बाकी निकालते हैं तो x बार बराबर अपने पास इसको मैं 39 इसमें से बाकी निकाल लीजिए आप, तो 39.5 में से 4.625 बाकी निकालेंगे, यहाँ संख्या नहीं तो 0 लिख देते हैं, ये 5 ये 7 और यहाँ 14 में से 6 गए तो 8 पॉइंट, यहाँ अपने पास 4 में से 8 में से 4 गए तो 4 और ये अपने पास 3 इस प्रकार से 34.875 और इसको 2 अंक तक लेना है तो 34.87 ये आपका कल्पित माध्य हो जाएगा। हाँ तो अपना जो एक्स बार है वो हमने कल्पित माध्य के द्वारा ज्ञात किया तो 34.87 आ गया। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।